हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आज है एकादशी व्रत। आज पता नहीं अपला अपला एकादशी है शायद, मुझे मालूम नहीं, मैं देख के बता दूंगी। तो आज अपला एकादशी व्रत है और मेरा पूजा पाठ सब हो गया। अभी मैं जस्ट माला उला जाप करके उठी हूँ और दिखा देती हूँ आप लोग को भी, विष्णु जी का, भगवान लोग का दर्शन करा देती हूँ। बहुत दिन बाद आज ब्लॉग ऐसे स्टार्ट की हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हवन की थी तो देखिए ये ख़त्म हो गया। अब मतलब अब थोड़ा सा बाकी है, मतलब बूत जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हुआ है पूजा भगवान जी का, तो सब कोई को मैं भोग लगा दी। आज सफ़ेद वाला मिठाई आया था उसी का। और वहाँ पे विष्णु जी, गणेश जी, सारे भगवान लोग हैं, दुर्गा जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जो मांगना है मांग लीजिए, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग की भी पूरी करेंगे। और वहाँ पे है मेरे हनुमान जी और वहाँ पे है माँ वैष्णो देवी। तो देखिए पूजा मेरा ख़त्म हो गया अब तो। अब चलिए, अब आप लोगों को सबको मैं दर्शन करा दी और यहाँ पे आरती थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो चलिए, क्या करूँ, मैं नाक पीच कर रहा था, व्रत करूँ या ना करूँ, क्योंकि तबीयत खराब चल रहा था। तो लेकिन ठीक वही करते हैं, खराब वही करते हैं, तो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ठीक है, कोई नहीं, एक ही बार इतना भी तबीयत खराब नहीं है कि मतलब व्रत ना कर सके। और अभी आया है मिठाई, तो मेरा पूजा तो हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि दो मिठाई खाकर और होगा तो दूध या पानी कुछ भी पी लूँगी कि मतलब शरीर में एनर्जी रहे। तो दो तीन बार खा के भी कर लूँगी, लेकिन मैं व्रत ज़रूर करूँगी। मुझसे नहीं खाया जाता है व्रत वाले दिन, मतलब जिस दिन व्रत रहता ना उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा मन नहीं मानता है। मन मेरा लगता है ना कि अंदर से कुछ कमी हो गया ऐसे मुझे फील होता है। तो क्या करूँ, उससे अच्छा मैं व्रत ही कर लूँ, मन को वैसा कर रखने से क्या फ़ायदा। तो चलिए मैं मिठाई निकालती हूँ खाने के लिए, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं इसमें दो निकाल लेती हूँ खाने के लिए। यहाँ पे दो निकाल ले, फिर इसको मैं बंद कर देती हूँ। इतना तो मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे आएंगे तो और खाएंगे। यहीं पे मैं टांग देती हूँ और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा देती हूँ ऐसे, जिससे कि इसमें कुछ मतलब कुछ अंदर जाए ना। हो गया, ऐसे घुमा दी कि अंदर इसमें से कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ले ली, खाती हूँ। खाऊंगी और थोड़ा सा दूध भी पीऊंगी और उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से फिर थोड़ी देर के बाद। दूध भी ले लेती हूँ मैं आराम से बैठ के थोड़ा देर में। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। दूध अभी गुनगुना ही है तो थोड़ा सा गुनगुना दूध ही पीऊंगी मैं। आज पूरा 15 दिन हो गया, मतलब एकादशी व्रत की थी तभी मेरा तबीयत खराब हुआ था। ऐसे भगवान का व्रत करने से तबीयत खराब नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कुछ कमी हो गया होगा बॉडी में तो तबीयत खराब हो गया था। कस के ही हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए सारे लोग गुस्से कर रहे थे कि मत करो मत करो। तो दूध मैं सोची कि फ्रिज में रखूँ और पहले का भी दूध है तो मैं इनको एडजस्ट करती हूँ। तो चलिए मैं मिलूंगी फिर थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिए। आ गई लेके दो मिठाई, थोड़ा सा दूध और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे इतना भी अभी टाइम नहीं हो रहा है, 10:30 बज रहा है।
तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, तबीयत खराब हो गया तो ज़्यादा नहीं ढीलेंगे, नहीं तो मेरे हस्बैंड मतलब होता है ना कि बहुत गुस्सा करते हैं। कल भी बोल रहे थे कि नहीं करने के लिए, बोलूँ तबीयत खराब हुआ था, कितना दिन तबीयत खराब था ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या करूँ, आज तो कुछ भी वो नहीं बोले, चुपचाप मिठाई ला कर दिए और खाना खा कर चले गए। लेकिन होता है ना कि मेरे मन में डर, मन में मतलब अंदर से डर लग रहा था कि बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। और विष्णु जी चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बाहर कबाड़ी वाला आया है, वो भी हल्ला कर रहा है। तो चलिए मैं फटाफट खाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। फिर मैं सोची कि 2 बजे के करीब फिर कुछ खा लूँगी, और एक बार शाम में खा लूँगी तो हो जाएगा। और केला उला ऐसे कुछ खाने वाला है ही नहीं, क्योंकि खोखी हुआ था तो केला उला मैं नहीं खा रही हूँ। अभी तक खांसी हुआ ही है, अभी आवाज़ भी मेरा अच्छा से नहीं आ रहा है, तो केला उला तो कुछ खा नहीं सकती। मखाना रखा है, काजू उजू है, उसी को रोस्ट करके खा लूँगी और दूध उध पी लूँगी। चलिए मैं मिलूँगी फिर थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए घर का काम उम सब मतलब शाम का जो घर में झाड़ू होता है वो भी लगा दी, और उसके बाद बच्चों के लिए थोड़ा सा आलू का जो पकौड़ी बनता है वो भी बना दी। और अब बच्चे मतलब बच्चों का आने का टाइम हो गया, मैं पकौड़ी दिखा देती हूँ, अब उनको खिला दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। यार बहुत गर्मी है, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है गर्मी से। यहाँ पे बना है पकौड़ी, और यहाँ पे एक हल्दी और इसमें थोड़ा सा ये रखा है, और यहाँ पे दाल भी गर्म हो रहा है, ये गर्म हो गया है, तो यहाँ पे दाल भी गर्म हो रहा है। तो आज दिन में तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, यही तड़का वाला जो दाल बनता है वही बना था, और चावल। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये तुरई का भुजिया, तो ये बना था। तो बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब बच्चों को दाल तड़का पसंद है, मेरे हस्बैंड को तुरई का भुजिया पसंद है। तो होता है ना कि सबका मतलब क्या बोलूँ मैं, सबके खाने का ख्याल रखिए। होता है ना कि सबके खाने का ख्याल करते करते अपने खाने का कोई ठिकाने नहीं रहता, तो आज मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाई। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा ही हो गया ब्लॉग, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट की हूँ। तो मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब पता नहीं मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है, तो बच्चे आएंगे उनको खिलाने के बाद मैं खाऊंगी, तो मैं तो वही जो मिठाई आया था वही खाऊंगी, थोड़ा सा दूध पीऊँगी और थोड़ा सा काजू खाऊंगी, उसके बाद मेरा भी खाना हो जाएगा, क्योंकि केला उला तो खाना है ही नहीं, खोखी इतना हो रहा है। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको ये ब्लॉग देखते हैं पूरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड को जय श्री कृष्णा।